हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है? घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अभी लॉकडाउन भी कम लग गया, कहीं नहीं जाए, जरूरत पड़े कहीं तो ही कहीं जाए, हाथों को धोते रहें और मास्क पहन के कहीं निकले, जरूरत पड़े तो ही लोगों से मिले, ठीक है? ये तो करना ही करना है, साथ में पढ़ाई भी करते रहना है और टेंशन नहीं लेना है कि कोरोना कितना बढ़ रहा है या फिर सिलेबस कैसा चल रहा है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। बस आराम से रिलैक्स होकर रहो, बस एक काम जरूर करना है कि ईमानदारी से डेली 4 घंटे पढ़ाई करना है, कम से कम 4 घंटे, ठीक है? अगर आप 60-70% अगर लाना चाहते हो तो 4 घंटे पढ़ते जाओ, और अगर ज़्यादा अगर चाहते हो तो पढ़ाते जाओ। बाकी मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे कम से कम पास हो जाएं, और बाकी इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि कम से कम 4 घंटे पढ़ते जाओ। बाकी आप 8 घंटे पढ़ोगे तो आपके 80% 90% भी आ सकते हैं, तो कम से कम 4-5 घंटे तो डेली पढ़ते जाओ, ठीक है? इतना जरूर पढ़ते जाओ, ठीक है? चलो तो, और डेली मैथ 2 घंटे डेली बनाते जाए, मैथ 2 घंटे डेली बनाते जाए, नहीं तो सिलेबस छूटे जाएगा, ठीक है? तो आज हम लोग इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और जो भी हम डाउट है वो अभी हम लोग ले लेंगे, ठीक है? तो JEE का देखो कुछ क्वेश्चन डाउट था, ठीक है? प्रीवियस ईयर JEE का ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर JEE, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर JEE के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेंगे, जो कि बच्चे लोग को डाउट है, ठीक है? जो f'x इज इक्वल टू √2x2 - 1 और y इज इक्वल टू f(x²) फाइंड डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है? क्वेश्चन हमने रीड करें, इसका मतलब ये नहीं कि समझ में आ गया, ठीक है? देखो क्या बोला है, f'x दिया है, y दिया है दिस, फाइंड डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है? इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है? इसका डिफरेंशिएशन, तो मैं सिंपल अगर बोलूँ कि डिवाइड बाई डी एक्स क्या आएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू किसका, ये वाई की जगह ये वैल्यू डाल दूँ तो f(x²) ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, फिर मल्टीप्लाई भी आएगा, मल्टीप्लाई कभी नहीं आएगा, ठीक है? चलो तो अभी जरा हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो अभी अगर हम लोग इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स इंटू क्या किया जाए, देखो एक काम करो, ठीक है? इसको को कुछ मान लो, ठीक है? मान कर बुरा होगा तो ज़्यादा इसमें बेहतर होगा, देखो हम लोग मान लेते हैं, लेट x² को t मान लेते हैं, ठीक है? x² को अगर हम लोग t मान लेते हैं तो ये क्या बन गया, ft बन गया, ठीक है? ft, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ ft, ठीक है? फंक्शन का वैल्यू t, ठीक है? तो अब ये क्या बन जाएगा, देखना ध्यान दोगे तो नहीं समझ पाओगे, हमने इसको t मान लिया तो डीवाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, y की जगह कितना है, देखो ध्यान दोगे तो नहीं समझ पाओगे, तो y की जगह कितना है, तो y की जगह कितना है अपने पास, y की जगह है f(x²), तो y की जगह हमें डाल दी, ठीक है? ये है अपना y, ठीक है? फिर y के बाद हमने x² को t मान लिया, x² को t माने हैं, तो यहाँ पर t डाल दिए ft, ठीक है? इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखेंगे तो अभी देखो ये जो हम t है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी ऑफ एफ डी, फिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx, बताओ इसमें कोई डाउट है, ठीक है? यहाँ पे हमने dt लगा लिया, चैन रूल यूज कर लिया ना, तो यहाँ पे dt अपॉन ये dt हो गया और ये dx यहाँ से dx आ जाएगा, ठीक है? चैन रूल लगा देंगे, ये dx देखो यहाँ आ जाएगा और ये dt कैंसिल, dt कैंसिल तो dx यहाँ पे आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं f't, ठीक है? f't हम लिख सकते हैं, अगर कोई अगर फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू फंक्शन दिया है तो ये f'x का मतलब क्या हो गया, dy अपॉन dx। अगर हम लोग f't अगर बोले तो क्या हो जाएगा, f't अगर बोले तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया dy अपॉन dt, मतलब हम लोग उसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है? समझना, देखो y दिया है f(x), तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, f'x हो जाएगा। अगर हम लोग f't अगर पूछे तो dy अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है? तो ये f't क्या हो जाएगा, तो d और ये y है तो dy अपॉन dt, ठीक है? dy अपॉन dt का मतलब क्या होगा, f't, ठीक है? चलो मल्टीप्लाई, अभी dt अपॉन dx तो t का वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू x², तो d अपॉन dx ऑफ x², देखो मैथ में ना बस समझने का ही खेल होता है। अब बताओ f't कितना होगा, f't कितना होगा, अगर मैं आपसे अगर बताऊं कि y इज इक्वल टू क्या दिया, ठीक है, f' दिया, ठीक है, f' सॉरी, देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि f(x) दिया है x², तो फंक्शन में अगर हम लोग t डालेंगे तो क्या बन जाएगा, t² फंक्शन में अगर 4 डालेंगे तो क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर बनेगा, तो
तो वैसे ही यहाँ पे अगर एफ डैश को अगर हम लोग एक फंक्शन मान ले, ठीक है, एफ डैश को अगर हम लोग फंक्शन मान ले, तो एफ डैश एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, एफ डैश फोर कितना हो जाएगा, फोर स्क्वायर, ठीक है, एग्री करते हैं। अगर ये अगर एक फंक्शन है तो इसमें टी डालेंगे तो इतना बनेगा, फोर डालेंगे तो इतना बनेगा, वैसे एफ डैश टी क्या बनेगा, तो एफ डैश एक्स है, एक्स डाल दो, तो अगर हम टी है तो हम क्या डालेंगे, टी डाल दो, तो रूट अंडर टू ये टी स्क्वायर माइनस वन, फिर मल्टीप्लाई इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में टू एक्स, ठीक है। अभी टी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग डालेंगे, तो टी का वैल्यू क्या था बच्चों, टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू था एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह हम लोग एक्स स्क्वायर डालेंगे, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स की पावर फोर, तो ये आ जाएगा रूट अंडर टू और टी स्क्वायर मतलब एक्स की पावर फोर माइनस वन, फिर मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई टू एक्स, ठीक है, बस इतना बन गया। अभी x का वैल्यू 1 डाल दूँ, x का वैल्यू 1 डालेंगे क्या मिलेगा, x का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये कितना बन गया, 1 की पावर 4 1 इंटू टू, टू माइनस वन वन इंटू टू, टू बनेगा, टू बनेगा, ठीक है, ये वैल्यू डालना है ना, डिवाइड बाई डेट निकालना है, x इक्वल टू 1 है, इसमें x का वैल्यू 1 डाल दूँ, x का वैल्यू 1 डाल दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना, मैसेज करना, ठीक है, इसको मैं बता दें, कैंसिल नहीं लेना, अगर किसी को अगर डाउट है तो आराम से उसको वीडियो को पॉज करके देख लेना, बैक करके, या फिर भी डाउट है तो अभी एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं दूँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसको जब हम लोग करेंगे तो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, सेम टू सेम वहाँ भी करना है। चलो जरा फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं, फर्स्ट में भी ऐसा ही बोला गया, फाइंड एफ डैश दिस, ठीक है, जैसा ये है ना थर्ड वाला वैसे ही फोर्थ वाला भी करना है, ठीक है, देखो यहाँ पे भी क्या दिया, एफ डैश का वैल्यू दिया है साइन एक्स प्लस साइन फोर एक्स और साइन ये कॉस एक्स, फिर यहाँ पे दिया था वाई का वैल्यू इतना मान लिया गया था, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे एफ डैश इतना वैल्यू निकालना, मतलब इसमें एक्स की जगह, यहाँ पे एक्स की जगह वो डाल देंगे, ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे, तो देखो एफ डैश टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई फोर निकालना है, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई फोर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन में हम लोग डाल दिए टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई फोर, ठीक है, एग्री करते, मतलब समझ लो एफ डैश का मतलब क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं अगर बोलूँ एफ डैश एक्स इसका मतलब क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर डी ऑफ एफ अपॉन डी एक्स, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये बात बनेगा, ठीक है, एफ डैश का मतलब हो गया डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, अगर हमने वाई डाले तो वाई, अगर हमने एफ डाले तो एफ का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे हमने ये चीज़ डाली है तो उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो दिक्कत है इसमें, तो एफ डैश को हम लोग डी अपॉन डी एक्स और ये पूरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, उसको अगर मैं अगर ऐसा बोलूँ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप बताओ इसका डीवाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डीवाई अपॉन डी एक्स लिखो, या फिर एफ डैश एक्स लिखो, या फिर इसको डी एफ अपॉन डी एक्स लिखो, यहाँ भी एक्स लगा सकते हैं, ठीक है, तो डी ऑफ एफ या डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तीनों तो सेम ही लाइन, ठीक है, इसको हम लोग वाई, वाई का मतलब कोई फंक्शन दिया, ठीक है, मतलब जिसका वैल्यू आएगा हम लोग एक्स डालेंगे तो वाई मिलेगा, और ये फंक्शन का मतलब मशीन, दोनों सेम होता है, तो अगर हमने इसमें जो डालेंगे उसका स्क्वायर करके देगा तो वो अपना मशीन चल रहा है और वही वाई का वैल्यू होगा, एक्चुअली में वही वाई का वैल्यू, ठीक है, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो डीवाई अपॉन डीएक्स, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, या फिर इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डी अपॉन डीएक्स ऑफ इसका, इसका डी अपॉन डीएक्स और फंक्शन वैल्यू डालते हैं आपके एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो सेम सेम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं एफ डैश में हमने इतना डाले हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये फंक्शन, अभी हम लोग नीचे समझेंगे, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि लेट मान लेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई फोर इज इक्वल टू टी मान लेंगे, इसको हम लोग टी मान लेंगे, ठीक है, चलो इसको अगर हम लोग टी अगर मान लेते हैं तो अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अभी हम लोग इसके आगे लाइन चलाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम डाल दो टी, तो ये बन गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ टी फंक्शन का वैल्यू टी, ठीक है, ये बात बनेगी, ये इसको हम लोग ऐसा लिखें, फिर ये डी अपॉन डी एक्स, ये एफ और इसको हमने टी मान लिया, ठीक है, तो एफ टी बन गया, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं, चलो अभी हम लोग इसको हम क्या लिखेंगे, ये लाइन तो माना हुआ है, चलो इसके बाद देखना ये लाइन, इस लाइन को हम कैसा लिखेंगे, अभी हम पिछले क्वेश्चन में समझे थे कि डी अपॉन डी टी ऑफ फंक्शन का वैल्यू डी, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई डी टी अपॉन डी
भी एक्स लिख सकते हैं, बताओ ऐसा लिख सकते हैं चैन रूल का यूज करके। यहाँ पे एकदम टी था तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो और फिर डी टी अपॉन डी एक्स, ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे डी एक्स आ जाएगा, फिर डी एक्स और ऊपर वाला सेम है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा लिखे डी अपॉन डी एक्स के फॉर्म में, फिर इसको हम लोग ऐसा लिखे डी अपॉन डी एक्स और इसको टी मान लें। अभी इसका टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में और फिर इसका डी टी अपॉन डी एक्स कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो अभी बताओ डी अपॉन डी टी ऑफ एफ एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके बाद में यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश टी, ठीक है, लिख सकते हैं। अगर मैं अगर बोले वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो बच्चों बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी दिया है, फंक्शन ऑफ टी दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा एफ डैश डी एफ डैश टी, ठीक है, यही लाइन हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर वाई इज इक्वल टू एफ टी दिया है, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा एफ डैश टी, ठीक है, एफ डैश टी। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट जब डिफरेंशिएट करें तो ये बन गया एफ डैश टी, ठीक है, ये लाइन इसका डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश टी, फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे वैल्यू डालो टी का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी का वैल्यू डालो, तो टी का वैल्यू कितना है, टी हम लोग माने थे इसको, तो ये वैल्यू हम डालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई फोर, ठीक है। चलो अभी जरा हम लोग इसमें वैल्यू डालते हैं, तो एफ डैश टी डालना है, एफ डैश टी, तो एफ डैश कितना है, जब यहाँ पे एफ डैश का वैल्यू ये वाली लाइन दिया है ना, एफ डैश का वैल्यू, तो इसमें हम लोग टी डालेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ टी प्लस साइन ऑफ फोर टी मल्टीप्लाई कॉस ऑफ टी, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू का टू टू जा फोर, ठीक है ना, फोर एक्स ले जाएगा एक्स स्क्वायर का कितना होगा टू एक्स मल्टीप्लाई टू फोर एक्स प्लस जीरो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात होगी, ठीक है। अभी हम लोग टी का वैल्यू डालेंगे, टी का वैल्यू कितना, ये वैल्यू डालेंगे, ठीक है, टी का तो पहले हम लोग वैल्यू डाल दिए, एफ डैस एक्स है इतना, एफ डैस टी डालेंगे तो सब जगह एक्स की जगह यहाँ पे हमने टी डाले, यहाँ पे एक्स की जगह टी, यहाँ टी टी एक्स की जगह टी डाल दी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें टी का वैल्यू ये डाल देंगे, ठीक है, टी का वैल्यू ये डाल देंगे, क्या बनेगा साइन और टी की जगह ये वैल्यू डाल देंगे, तो ये वैल्यू डालेंगे तो साइन टी यहाँ पे सॉरी पाई बाई टू है, ठीक है, सॉरी पाई बाई टू बच्चों है, ठीक है, यहाँ पे पाई बाई टू है, ठीक है, इसको जरा अच्छे से लिखना पाई बाई टू, ठीक है, यहाँ पे पाई बाई टू करना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक आता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो गया, ये यहाँ पे टी का वैल्यू इतना आ गया, तो हम लोग वैल्यू डालेंगे टू, अच्छा इसको हम लोग पहले तो लिख सकते क्या, देखो लिख सकते हैं पाई पॉइंट फोर पाई पॉइंट टू प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया, फिर प्लस साइन फोर से मल्टीप्लाई कर दो टी में, तो टी का वैल्यू कितना है, फोर से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, फोर टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर से इसमें ना मल्टीप्लाई करो तो टू पाई निकला, तो खुद से कर लेना टू पाई प्लस इसमें फोर से मल्टीप्लाई करो फोर टू जाए एट एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई कॉस कॉस वैल्यू डाल देना टी क्या हो जाएगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई ये लाइन फोर एक्स, ठीक है। अब इसके नीचे एक लाइन और कर लोगे, क्या फॉर्मूला यूज करोगे, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा याद है एलेवन क्लास में हमने बताए थे, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज कितना होता है साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा, ठीक है। ये साइन टू पाई प्लस थीटा, साइन टू पाई प्लस थीटा इज कौन से क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये होता है ओ सॉरी पाई बाई टू पे यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, देखो गड़बड़ हो गई, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाई बाई टू पे चेंज होता है ना, तो पाई बाई टू पे चेंज कर लोगे तो पाई बाई टू पे चेंज कर लेना, तो अभी देखो ये चीज कितना हो गया, साइन पाई बाई टू पे चेंज हो गया कॉस हो गया, ठीक है, साइन पाई बाई टू पे साइन पाई बाई टू पे कॉस हो गया, और ये थीटा थीटा लिख लो टू एक्स स्क्वायर, और ये क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाई टू प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, इसका हम लोग देखते हैं साइन पॉजिटिव, ठीक है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फिर प्लस इसको हम लिखेंगे हम लोग तो साइन टू पाई प्लस थीटा, तो साइन टू पाई प्लस थीटा साइन टू पाई प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा,
अभी करते हैं पहले क्लास का कॉन्सेप्ट याद कर लो। साइन 2π के लोचन, तो साइन 2π के लोचन साइन के साइन ही रहेगा थीटा, और ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन निगेटिव, एड शुगर टेक कॉफी डिवाइस कर लेना, एड शुगर टेक कॉफी थर्ड में ये निगेटिव आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन और थीटा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई ये आ जाएगा कॉस, अच्छा कॉस 5/2 पे साइन हो जाएगा, तो साइन और 2x स्क्वायर, और ये ना क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव, कॉस नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे एक ना माइनस में लगा लेना, ठीक है ये माइनस लगा लेना, तो ये वाली माइनस और ये वाली माइनस कितना हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है प्लस हो गया, और ये ना पूरा इधर है, ब्रैकेट बंद कर लो, और फिर मल्टीप्लाई 4x, ठीक है ये वाली 4x है बात, तो ये मल्टीप्लाई 4x, फिर ये कॉस 5/2 पे हो गया साइन, और ये क्वाड्रेंट सेकंड पे माइनस, फिर से ये साइन 5/2 थर्ड क्वाड्रेंट, तो बेसिकली यहाँ पे माइनस नहीं आता, ठीक है 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है मेरे को थोड़ा सा अभी हो गया था, मैंने उसको भी अभी ठीक कर दिया, ठीक है तो साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा यहाँ पे हम यूज करें, ये कॉस 5/2 प्लस थीटा, तो कॉस 5/2 प्लस थीटा इज, तो कॉस और 5/2 पे चेंज होता है साइन में आ जाएगा, और ये ना क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो, अभी हम बीच वाला एक क्वेश्चन कर लेंगे मोड़ वाला, ठीक है बच्चे लोग, तो एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते, ठीक है तो अभी हमने इसको पिछला क्वेश्चन ये वाली करे थे हम लोग, इसको आप लोग एक बार बैक करके कर लेना अगर कोई अगर दिक्कत हो, ठीक है चलो तो यहाँ पे देखते हैं, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स और मॉड ऑफ कॉस एक्स, अब ये कैसा खुलता है, तो मॉड के बारे में तो मालूम है ना, मॉड कैसा खुलता है, एक बार साइन प्लस में खुलेगा और एक बार साइन माइनस में खुलेगा, ठीक है वैसे ही एक बार कॉस प्लस में खुलेगा, फिर एक बार कॉस माइनस में खुलेगा, तो क्या ये दो ही बनेगा, ये चार बनेगा कोई बात, ठीक है चार बनेगा, कैसे मान लो कि दोनों अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है एक्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये दोनों में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ठीक है जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एक्स का वैल्यू, तो साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, चलो ये दोनों निगेटिव कब आएगा, जब एक्स जब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव और कॉस भी निगेटिव, और क्या बनेगा, और क्या बनेगा बच्चों बताते जाओ जल्दी से, ठीक है बाई इसको अच्छे से हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है जैसा आप लोग समझते हैं, ठीक है ये ऐसा चार बनेगा, चलो एक और क्या बनेगा, साइन प्लस में और कॉस माइनस में, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ, साइन प्लस में और कॉस माइनस में, साइन प्लस में और कॉस माइनस में, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है फिर एक और क्या बनेगा, साइन निगेटिव और कॉस पॉजिटिव, अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये सब लोग बोल रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सही क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमने बताया कि फिर इसको कंफ्यूजन है, एक्स और ये है सॉरी एक्स शुगर, शुगर मतलब साइन कॉस एक कॉफी, मतलब इसमें और इसमें साइन और वन अपॉन साइन, एड शुगर टेक कॉफी, एड शुगर टेक कॉफी, इसमें और इसमें साइन और साइन का अपोजिट वन अपॉन साइन, ये टैन और वन अपॉन टैन, ये कॉस 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 और वन अपॉन कॉस, ठीक है वन अपॉन कॉस से, ये सब पॉजिटिव होते हैं बाकी सब निगेटिव, ठीक है तो इन्हीं को हमने ध्यान में रख के बनाए हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव साइन निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव टैन पॉजिटिव होता है, थर्ड में एड शुगर टेक कॉफी, तो यहाँ पे टी टेक, टेक का होता है टी, टी का होता है टैन, तो टैन पॉजिटिव बाकी दोनों निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है अब अपने को देखना है कि एक्स का वैल्यू 2π/3 है, ये हम कौन से क्वाड्रेंट में, जब एक्स इज इक्वल टू 2π/3 अगर हम बोलेंगे, इसको जरा वैल्यू डाल दो, तो 2 × π का वैल्यू 180/3 कितना हो गया, ये कितना हो गया, तो 180/3 60 × 120, अब ये 120 क्या है, लेस देन 180 है, 180 से तो छोटा है, तो 180 से छोटा है लेकिन 90 से बड़ा है, ठीक है 120 क्या हो गया, 120 लाइज
ए सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में तो मालूम है ना, ये जीरो होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ठीक है। तो ये जो 120 है कहाँ पे आएगा, ये इधर कहीं आएगा सेकंड क्वाड्रेंट पे, ऐसा 120, यहाँ से हम चलते हैं हम लोग ऐसा जाएंगे, यहाँ पे 90, फिर आप जाएंगे 120, तो 120 लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए कौन सा हम लोग चलाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए ये वाली चलाएंगे, तो इसको वाई मान लेना और फिर इसका डेरिवेटिव निकालना, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर एक्स की जगह ये वैल्यू डाल देंगे, कर लेंगे कुछ सेम। जब हम लोग एक्स का वैल्यू 4π/3 डालेंगे, जब हम लोग एक्स का वैल्यू 4π/3 डालेंगे क्या मिलेगा, तो 4π/3 कौन से क्वाड्रेंट में बताइए, 4π/3 तो 5/3 कितना होता है 60 होता है, अभी हम लोग देखे थे 60 into 4 तो 240 बोल रहे हैं, ठीक है। चलो जब हम लोग एक्स का वैल्यू लेंगे 4π/3 मतलब हो गया 5/3 का मतलब 4 into 180 upon 60 3, तो 64 या चलिए 240, और ये कौन से क्वाड्रेंट में बताओ, 180 से ज़्यादा कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का रूल क्या है, देखो इधर ये 0 90, ये 180 और ये 270 और ये फिर से 360, ठीक है। 9 का टेबल 90 या 80 90 या 27, तो कहाँ पे आएगा 240, कहाँ पे आएगा 180 से ज़्यादा आएगा, इधर कहीं होगा 240, क्योंकि यहाँ से हम लोग चलेंगे यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, फिर इधर 240, ठीक है। तो 240 यहाँ से चलेंगे तो इतना आएगा, तो ये हम कौन से थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम कौन सा लेंगे, हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए दोनों निगेटिव लेंगे और फिर इसका डिफरेंशिएट कर देना, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि जब x का वैल्यू इतना है तो हम लोग का वाई क्या बन जाएगा, इसीलिए वाई इज इक्वल टू, ये हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाए, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए वाई कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये है वाई माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अभी इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स फिर माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर से माइनस माइनस प्लस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स। अभी यहाँ पे वैल्यू क्या हम डालेंगे, वैल्यू क्या डालेंगे, तो एक्स की जगह डाल दो कितना 240 डाल दो, ठीक है। और ये तो आना चाहिए खुद से निकाल लें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मेरे से मत पढ़ना, क्लास 12 में आना, क्लास 12 में ट्रिग्नोमेट्री मेरे से मत पढ़ना, 11th का देखिए कोई डाउट हो तो, ठीक है। बच्चे लोग तो एक बार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जनरली पीडीएस का ही क्वेश्चन है, देखो 14 में ये फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू की पावर एक्स, 2x माइनस 1, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स, बराबर दिख रहा है, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 फॉर विच इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस करना है। अभी देखो इसका ग्राफ से थोड़ा सा बता, मतलब ग्राफ से इसका मीनिंग बताया, अगर कोई अगर एफ एक्स हमने वैल्यू डालें, ठीक है, और वो ऐसा जा रहा है, ठीक है, ग्राफ सिंपल ग्राफ मान लो कि ऐसा बन रहा है, अभी हमने इसमें जब हम जीरो जब हम डाले हैं या फिर कोई एक पॉइंट डाले हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि वन डाले हैं, लेकिन ये वन पे क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है, 0/0 सर, मतलब यहाँ पे ये एकदम ग्राफ टूटा है। अब बताना है कि यहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू लेंगे कि ये एकदम कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस हो जाएगा, हमें सिंपल सा ग्राफ है, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, देखो ये ऐसा मैं ग्राफ में बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब एक्स का वैल्यू 5 डाल रहे हैं तो ये एकदम ग्राफ टूट गया, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 5 एफ एक्स जो है वो 0/0 आ रहा है, ठीक है, मतलब ग्राफ टूट गया। यहाँ पे भी आप देखो 0 डालो तो ऊपर 0 into something 0 अपॉन में cos 0 इज 1, cos 0 इज 1 तो 1 - 1 0, ठीक है, cos 0 पे 1 तो 1 - 1 0 और ये ऊपर 0 तो 0/0 आ गया, तो ये फंक्शन में 0/0 आ गया, यानी कि ये नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस है, लेकिन इसको कंटिन्यूअस बनाना है, तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू 5 पे हम लोग उतना ही वैल्यू दे देंगे जितना इसके पहले है थोड़ा सा और जितना इसके बाद में है, मतलब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि उसका थोड़ा सा पहले जितना वैल्यू आ रहा है, थोड़ा सा बाद में जितना वैल्यू आ रहा है और उस पे तीनों पे इक्वल होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब मालूम है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे, फंक्शन वैल्यू उस पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब इसके लेफ्ट में और इसके राइट में और उस पॉइंट पे तीनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट से थोड़ा सा पहले, इस पॉइंट से थोड़ा सा बाद में और उस पॉइंट पे, अगर तीनों जगह अगर इक्वल वैल्यू आ रहा है तो वो कंटिन्यूअस होता है। तो अभी हम लोग इसके थोड़ा सा पहले निकाल सकते हैं, थोड़ा सा बाद में हम निकाल सकते हैं, और जितना वैल्यू आएगा ना उतना ही हम लोग उस पॉइंट पे भी डाल देंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा हम पहले निकाल लिए, मान लो कि आ गया, थोड़ा गया, ठीक है, मतलब फंक्शन का वैल्यू
फाइव पे डाले थे तो फाइव माइनस पे आ गया फोर, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू फोर फाइव फाइव प्लस पे आ गया, ठीक है, फाइव प्लस में तो फाइव से थोड़ा सा ज्यादा आ गया फोर, तो हम लोग क्या बोले कि इसीलिए फंक्शन का वैल्यू फाइव पे भी कितना हो जाएगा, फोर ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब फंक्शन वैल्यू फाइव से थोड़ा सा जब हम लोग कम लिए थे तो फोर आया था, फंक्शन वैल्यू फाइव से जब हम लोग थोड़ा सा ज्यादा लिए थे तो भी फोर आया था, तो इसलिए फंक्शन वैल्यू फाइव पे भी कितना हो जाएगा, फोर ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात देखो, अगर हमने कोई अगर ग्राफ बनाए और मतलब कोई अगर फंक्शन का ग्राफ बनाए, जैसे ये फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर ग्राफ बनाए और ये एक्स इक्वल टू फाइव पे जीरो अपॉन जीरो दे दिया, जैसे कि ये दे रहा है एक्स इक्वल टू, इसमें हमने जीरो डाले तो जीरो अपॉन जीरो दे दिया, वैसे कोई दूसरा फंक्शन है जब हम लोग इसमें फाइव डाले तो जीरो अपॉन जीरो दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे उसके थोड़ा सा पहले का वैल्यू निकालेंगे, मतलब फाइव से थोड़ा सा पहले का वैल्यू निकालेंगे, फाइव से थोड़ा सा बाद का वैल्यू निकालेंगे, और जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे कि फंक्शन वैल्यू फाइव का भी उतना ही होगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों अगर इक्वल अगर नहीं आ गया तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, ये तो ग्राफ आपस में कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो जब हम कनेक्ट ही नहीं है तो कंटिन्यूस कहाँ से हो सकता है, ठीक है। मतलब एकदम ग्राफ मान लो कि यहाँ से है, एकदम ग्राफ ऐसा चल रहा है और एकदम दूसरा ग्राफ, ठीक है, यहाँ से चल रहा है, तो ये तो एकदम डिस्कनेक्ट एकदम हो ही रहा है, यहाँ से ये तो कनेक्ट ही नहीं है। लेकिन कोई अगर ग्राफ अगर यहीं से चल रहा है और सिर्फ इस पॉइंट पर टूटा है तो हम लोग इसको कंटिन्यूस कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कंटिन्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ग्राफ को अगर एकदम टूट गया है, अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तब तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके आसपास का ये अगर वैल्यू अगर दे रहा है तो हम लोग उसको कंटिन्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इस पॉइंट में हम लोग क्या निकालेंगे, इसका जीरो से थोड़े से कम पे निकालेंगे, जीरो के थोड़ा सा बाद में निकालेंगे और जो आएगा अब चेक करेंगे और उसी को हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे जीरो हम लोग डालें, तो फंक्शन में अगर जीरो डालेंगे तो ये कितना दे रहा है, फंक्शन वैल्यू जीरो में कितना दे रहा है, जीरो अपॉइंट जीरो दे रहा है, ठीक है, जीरो अपॉइंट जीरो दे रहा है। अच्छा अच्छा चलो देखो, जीरो पॉइंट जीरो देखिए, तो आप लोग तो सब यार जेड बड़ी वाले बच्चे हैं, तो हम बोर्ड के लेवल से इसको सोच रहे थे, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा फिर यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, वन माइनस कॉस टू अलग, वो अलग निकल जाता है, ठीक है, वो अलग से हम लोग करते हैं, ठीक है, वन माइनस कॉस टू इसका फॉर्मूला यूज करके बनाते हैं, फिर बोर्ड साइंस में आता है, फिर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जीरो पॉइंट जीरो आ गया तो एल एच रूल, ठीक है, तो एल एच रूल मालूम है ना कि जब भी कोई फंक्शन जीरो पॉइंट जीरो दे तो ऊपर का डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे का डिफरेंशिएशन कर दो, काम खत्म। तो अब बताओ f डैश x, ठीक है, मतलब सिंपल डिवाइड रूल नहीं यूज करते हैं, ऊपर का अलग से डिवाइड करते हैं, नीचे का अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यूजिंग एल एच रूल यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यूजिंग एल एच रूल, एल एच रूल कब करेंगे, वेन फंक्शन का वैल्यू x पे जीरो अपॉन जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यूजिंग करेंगे, मतलब एल एच रूल हम लोग यूज करेंगे, कब करेंगे, तो जब फंक्शन में कोई हमने वैल्यू डाले और वो जीरो अपॉन जीरो दे दिया तो ही कर रहे हैं, तो ये जीरो अपॉन जीरो दे दिया तो हम लोग एल एच रूल यूज करेंगे। एल एच रूल में क्या होता है, तो एल एच रूल में होता है ऊपर अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट रूल से हम यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट को पकड़ लो, फर्स्ट को पकड़ लो, सेकेंड को छोड़ दो, फिर से प्लस फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड को पकड़ लो, सेकेंड को पकड़ लो, फिर से अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, तो नीचे वाले का स्क्वायर, ओ सॉरी डिवाइड रूल नहीं, नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन, तो वन का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब इसमें क्या बोलता है एल एच रूल में, कि ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएट करो और नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएट करो, तो ऊपर वाले का हम लोग अलग डिफरेंशिएट करें, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएट करें, तो ये यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल यूज करें, फर्स्ट को पकड़ो, सेकंड को छोड़ दो, ऐसा, फिर यहाँ पे कॉन को डिफरेंशिएट, नीचे पे नीचे को अलग अलग करेंगे, डिवाइड रूल नहीं, ये नहीं कि इसको यू मान लिए, इसको भी मान लिए, फिर हम डिवाइड रूल नहीं, एल एच रूल में डिवाइड रूल हम लोग नहीं यूज करते हैं, ठीक है, इस चीज़ छोटी चीज याद रखना है। तो इसको हम एक बार कर लेना, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया इंटू ये टू एक्स माइनस वन, फिर से प्लस एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, वन का जीरो, और इसका डिफरेंशिएशन टू की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इज टू की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इज टू की पावर एक्स लॉग टू, ठीक है, फिर से अपॉन में अभी इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, वन का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस इसका डिफरेंशिएशन कॉस का इज माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। चल तो अभी हम लोग फिर से इसमें हम लोग जीरो डालते हैं, ठीक है, तो हम जीरो डालेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से ये सर जीरो पॉइंट जीरो आ जाएगा, साइन जीरो पे जीरो, और ऊपर डाल के देखो जीरो डालेंगे तो वन माइनस वन, ठीक है, ये तो आता है ना, ये डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है तो देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, लॉग ए, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है, वही हमने यूज करें, ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। चलो अभी हम लोग इसमें फिर से वैल्यू डालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो अपॉन जीरो बनेगा, फिर से जीरो अपॉन जीरो बन रहा,
0.01 चेक करके बताइए। देखो यहाँ पे हम जीरो डाले तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, फिर यहाँ पे हम लोग जीरो डाले तो 2 की पावर 0 इज 1, तो 1 - 1 जीरो, तो ये बन गया जीरो और इंटू जीरो, तो 0+0 अपॉन में 0, तो 0/0 बन गया। फिर से अगेन हम लोग दीजिए एलएच में, ठीक है, तब तक करेंगे टिल, टिल का मतलब जब तक, टिल 0/0 प्रॉमिस, ठीक है, जब तक 0/0 आ रहा है तब तक करते जाना है। तो एक बार डिफरेंशिएट इसको हम लोग करते हैं, तो f डबल डैश कितना हो जाएगा, f डबल डैश x, इसका डबल डैश अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग पहले जीरो डाले 0/0 आया, जैसे यहाँ पे हम लोग पहले वैल्यू डाले 0/0 आया, तो एल एच यूजन यूज करें। फिर से इसका 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x log a, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर प्लस x का डिफरेंशिएशन इज 1 इंटू ये, तो हम अच्छा फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल खुद से करें, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे खुद से करें, अपॉन में नीचे साइन का डिफरेंशिएशन इज cos x, ठीक है। अब यहाँ पे ना वैल्यू डालना 0/0 नहीं आएगा, अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 0/0 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले 1 - 1 हो रहा था तो 0/0 आ रहा था, फिर से cos का डिफरेंशिएशन साइन आ गया तो साइन 0 पे 0 होता है, लेकिन अब ये आ गया cos x, अब बताओ cos 0 पे कितना हो जाएगा, तो cos 0 पे होता है 1, cos 0 पे होता है 1, तो इसलिए अब ये 0/0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पावर एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना, ये हमको ये क्या है कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर निकालना, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट रूल हम यूज कर लेना जैसे हम लोग पहले किए थे, और फिर उसके बाद वैल्यू डालना, जो आंसर आएगा वही आंसर, ठीक है, चलो फिर भी कोई ना दिक्कत हो तो मैसेज करना, हम पूरा बना देंगे, ठीक है, बन जाएगा खुद से ट्राई करने को, ठीक है बच्चे लोग। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन लास्ट में हमने आपको बता दिया था, निकाल लेंगे, ठीक है, उसको एफ डबल डैश में निकाल लेना, और ठीक है, और जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नीचे cos x आया था, तो अब ये 0/1 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा और यहाँ पे अपॉन में 1 आएगा, ठीक है, तो जो ना वैल्यू आएगा, ठीक है, तो वो ना वैल्यू क्या है उसका, वो ना वैल्यू क्या देता है, f डबल डैश जो हम लोग निकालते हैं वो उसका क्या वैल्यू देता है, तो 0 पे ही तो हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो ये ना तो वैल्यू क्या दे दिया, तो एफ एक्स का वैल्यू दे दिया 0 पे, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू दे दिया 0 पे, ठीक है, तो हम लोग 0 पे ही जो निकाल रहे थे ना, तो वो एक्चुअली में 0 पे नहीं है, वो ना क्या होता है, वो लिमिट होता है, लिमिट x टेंस टू 0 हम लोग एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा रीड करेंगे, मतलब फंक्शन वैल्यू 0 पे तो क्या रहा था, फंक्शन वैल्यू 0 पे क्या रहा था बच्चों, तो फंक्शन वैल्यू 0 पे 0/0 आ रहा था, फंक्शन वैल्यू 0 डालते तो 0/0 आ रहा था, ठीक है, डाले हम लोग तो फंक्शन वैल्यू 0 पे 0/0 आ रहा था, तो हम लोग क्या करें, x टेंस टू 0 पे हम निकालें, x टेंस टू 0 पे हम निकालने के लिए हम लोग क्या करें, एल एच रूल का यूज करें, और एल एच रूल क्या बोलता है कि जब तक 0/0 आ जाए तब तक क्या करना है, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लो, जो ना फंक्शन जो दिया था वो ना 0 पे क्या आ रहा था, 0/0 आ रहा था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में, तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे 0/0 आया, तो इसलिए हम लोग एल एच रूल यूज करें, ठीक है, और जब हम लोग एल एच रूल यूज करें तो वो एल एच रूल क्या देता है, तो वो एल एच रूल देता है लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 के आसपास का वैल्यू, जैसे हमने ग्राफ में बताया था ना कि 5 से थोड़ा सा आगे पे जाओ, 5 से थोड़ा सा पीछे पे जाओ, वैसे ये ना 0 के थोड़ा सा आगे पे और 0 के थोड़ा सा पीछे पे ही तो देता है ना लिमिट, तो x टेंस टू 0 का मतलब 0 का थोड़ा सा आगे और 0 के थोड़ा सा पीछे पे जो वैल्यू मिला वही लिमिट देता है, और वो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जब भी 0/0 आ जाए तो हम लोग एल एच रूल यूज करते हैं, ठीक है, जब भी 0/0 आ जाए किसी वैल्यू पे तो हम लोग एल एच रूल यूज करते हैं, और वो एल एच रूल क्या देता है, तो वो लिमिटिंग वैल्यू देता है उसके उसके आसपास का वैल्यू देता है, ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे कोई कोई पूछता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, चलो तो अभी ये क्या हो गया, देखो मैथ्स में मेन होता है कॉन्सेप्ट सीखना, ठीक है, और प्रैक्टिस तो खुद से करना होता है, तो मेरे से कॉन्सेप्ट सीखिए और प्रैक्टिस खुद से करिए, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही बोल सकते हैं, देखो क्या है, कोई ज्यादा हार नहीं है, बोला गया एफ एक्स दिया है, ये दो वैल्यू एफ एक्स दिया है, ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि एक्स का वैल्यू 0 से 1 के पहले 1 नहीं लेना है, यहाँ पे 1 के आगे 1 नहीं लेना है, 1 के आगे और 2 तक, ये चीज़ मालूम है ना, ये a कॉमा b अगर दिस साइन है इसका मतलब क्या हो गया, a को लेना है और b को भी लेना है, लेकिन अगर ऐसा दिया है a कॉमा b, इसमें a को नहीं लेना है b को नहीं लेना है, इसके बीच में, इसके बिटवीन, और यहाँ पे फ्रॉम a टू b मतलब a से b तक, यहाँ पे बिटवीन a एंड b, वैसे यहाँ पे वन के आगे से चलना है टू तक जाना है, यहाँ पे जीरो से चलना है लेकिन वन के पहले ही रुक जाना है, ठीक है, वन तक नहीं जाना है, वन के पहले ही रुक जाना है, ठीक है, तो ऐसा बोला गया कि जब हम लोग x का वैल्यू क्या डालेंगे, जब हम लोग x का वैल्यू 0 से 1 डालेंगे तो ये चीज देगा, जब हम लोग 1 से 2 डालेंगे तो ये चीज देगा, लेकिन 1 पे क्या देगा, 2 देगा, ठीक है, अब ये बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है, और p और q का वैल्यू बताना है जब ये कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है,
तो हम लोग सिंपल क्या निकालेंगे, कंटिन्यूअस निकालना है। तो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन, तो हम कितना लगेगा लेफ्ट हैंड लिमिट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या आता है लिमिट एच टेंस टू जीरो। फंक्शन का वैल्यू कहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों, हम लोग निकाल रहे हैं वन पे, तो वन माइनस एच। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब ये हमें बार बार पता है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन प्लस एच होता है, यहाँ पे वन माइनस एच होता है। ये होता है राइट हैंड साइड, ये भी सकते हो, और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इधर लेफ्ट होता है, उधर राइट होता है, ठीक है। तो राइट राइट में होता है, और इसलिए राइट राइट में होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, राइट राइट में। चलो तो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच क्या आएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो वन से कम, वन से कम पे क्या आएगा, वन से कम पे बताओ। देखो वन से कम क्योंकि जीरो से वन है ना, तो वन से कम में कौन सा चलेगा ये, तो वैल्यू डालो यहाँ पे पी और एक्स की जगह वन माइनस एच का स्क्वायर फिर माइनस क्यू, ठीक है। ऐसा समझ रहे आपको क्या आ गया, देखो वन माइनस एच डालना था यहाँ पे, निकाल दिए पी पी फिर वन माइनस एच, वन माइनस एच एक्स की जगह। अगर हमने फंक्शन में अगर एक्स डाले तो पी एक्स स्क्वायर आया था, अगर हम लोग ये डालेंगे तो पी इंटू जो डालेंगे उसका स्क्वायर माइनस क्यू। अभी हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे एच का वैल्यू जीरो, एच का वैल्यू अगर जीरो डालेंगे तो वन का स्क्वायर हो जाएगा वन इंटू पी, तो पी माइनस क्यू हो गया, पी माइनस क्यू, ठीक है। और फंक्शन राइट हैंड लिमिट जरा निकाल दें, तो राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट एकदम वन डाल दो इसमें, वन डाल के देखो तो वन प्लस वन टू आ गया। और फंक्शन का वैल्यू टू पे कितना है, फंक्शन का वैल्यू टू पे मतलब तीनों एकदम इक्वल हो गया, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू कौन कौन पे, वन पे, तीनों इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कितना आया था पी माइनस क्यू, राइट हैंड लिमिट कितना आया था टू आया था, और फंक्शन का वैल्यू टू पे कितना है, फंक्शन वैल्यू टू, फंक्शन वैल्यू वन पे कितना है, तो फंक्शन वैल्यू वन पे भी टू है, फंक्शन वैल्यू वन पे, फंक्शन वैल्यू वन पे टू दिया है, राइट में टू आया, लेफ्ट में भी दिया गया। अब यहाँ से ये अपना मिल गया, ठीक है, p माइनस क्यू इक्वल टू टू होना चाहिए, ठीक है, पी कॉमा पी माइनस क्यू क्या होना चाहिए टू होना चाहिए, p माइनस क्यू टू होना चाहिए। अब बताओ तो हम p का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, p का वैल्यू हम लोग ले लें टू और q का वैल्यू ले लें जीरो, चलेगा चलेगा, ठीक है। अगर हम लोग p का वैल्यू अगर फोर ले लें तो हम q का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा टू लेना पड़ेगा, क्योंकि फोर माइनस टू, ठीक है। अगर हम लोग p का वैल्यू अगर थ्री ले लें तो q का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा वन लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पूछा गया था कि कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, पी और क्यू का क्या हम लोग वैल्यू लेंगे, तो पी का वैल्यू टू ले लो, क्यू का वैल्यू जीरो ले लो, तो क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू मतलब टू माइनस जीरो टू आ गया, ये फोर माइनस टू टू आ गया, ये थ्री माइनस वन टू आ गया। और भी ले सकते हैं, यहाँ ले लो टेन और यहाँ एट, टेन माइनस एट, ठीक है, टेन टेन कॉमा एट भी ले सकते हैं, और क्या जितना चाहे उतना ले लो, ट्वेंटी कॉमा एटीन ले लो, ट्वेंटी माइनस एटीन इज टू, ठीक है। तो कुछ भी ले सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो तो सिंपल हो गया, ये क्या निकालना था, वन के पहले निकालना था, वन के बाद में निकालना था, तो हम लोग वन के पहले निकाले वन माइनस एच का मतलब वन से पहले, फिर वन से ज्यादा पे निकाले वन प्लस एच पे, तो वन प्लस एच पे वन से ज्यादा के लिए निकाले तो यहाँ पे डायरेक्ट डाल दो वैल्यू, तो वन प्लस वन टू आ गया। अब ये तीनों को हम लोग इक्वल कर देंगे तो पी माइनस क्यू का वैल्यू टू होना चाहिए, तो इस टाइप से पी और क्यू का वैल्यू हम लोग को मिल गया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत होगा इसमें बताते जाना। चलो बच्चे लोग एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये एकदम दोस्ती की का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे लोग इसमें डाउट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो क्या बोला गया था कि वाई अगर एफ एक्स दिया है एंड एफ डैश जीरो पे जीरो दिया है, देन एफ डबल डैश मस्ट भी जीरो, ये क्या जीरो होगा। मतलब मैं अगर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एफ एक्स ले लो एक्स स्क्वायर प्लस आई जे एक्स प्लस सेवन, अब बताओ एफ डैश एक्स कितना हो गया, एफ डैश एक्स कितना हो गया टू एक्स प्लस फाइव। अब बताओ एफ डैश जीरो पे, जीरो पे बोल रहा है जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन एक्चुअली में नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, एक्स क्यूब कर लूँ, एक्स क्यूब कर लूँ और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लूँ, बस कॉन्स्टेंट है। तो अब ये कितना हो गया एक्स टू एक्स स्क्वायर, एक्चुअली में ये कितना हो जाएगा देखो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव टू या टेन एक्स, और ये तो हो गया जीरो, सेवन का जीरो, ये फाइव टू या टेन एक्स और ये थ्री एक्स स्क्वायर। अभी एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो कितना हो गया, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो कितना हो गया तो थ्री टू या सिक्स, थ्री टू या सिक्स एक्स, ठीक है, थ्री टू या सिक्स एक्स प्लस टेन। अब बताओ एफ डबल डैश जीरो कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश पहले निकाल लेते हैं, तो एफ डबल डैश यहाँ से निकालना, ठीक है, इस लाइन से देखो, तो एफ एक्स दिया था दिस लाइन, मान लिया हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, एफ डैश एक्स तो थ्री एक्स स्क्वायर, इसका फाइव टू या टेन एक्स, ठीक है, ठीक। फिर इसका हम लोग जीरो इसमें डाल दिए तो एफ डैश जीरो पे, तो जीरो आ गया एफ डैश जीरो पे, सॉरी एफ डैश में हम लोग अगर जीरो डालेंगे तो थ्री इंटू जीरो
प्लस 10 × 0 मतलब 0 आ गया, ठीक है 0 आ गया। अभी हम लोग एफ डबल डैश हम निकालते हैं, तो इसका डबल डैश कितना हो जाएगा, 3 × 6 प्लस 10। अब बताओ एफ डबल डैश 0, एफ डबल डैश 0 पे कितना आएगा, एफ डबल डैश 0 पे 0 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 कितना आ गया, 6 × 0 प्लस 10 यानी 10 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, एफ एक्स की जगह ले लेना, ठीक है, देखो एफ एक्स ले लेना, कॉस एक्स ले लेना, फिर एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, फिर से एफ डबल डैश कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा साइन का, और कॉस का माइनस साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, फिर से माइनस और ये साइन का कॉस एक्स, ठीक है। देखना एफ एक्स हमने लिए, एफ एक्स हमने ले लिए, ठीक है, एफ एक्स ले लिए कॉस एक्स, तो एफ एक्स कॉस एक्स ले लिए, तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, माइनस साइन एक्स, ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स, फिर से माइनस बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, ठीक है, कॉस का साइन, साइन का कॉस, ठीक है। अभी इसमें हम जीरो डालो, जीरो डालो, देखो एफ डैश जीरो, ठीक है, एफ में अगर हम लोग जीरो डालेंगे तो जीरो आएगा, एफ डैश में अगर जीरो डालेंगे तो कितना आएगा, एफ डैश में, सॉरी एफ में जीरो डालो, फंक्शन में अगर जीरो डालेंगे तो वन आएगा, एफ डैश में अगर जीरो डालेंगे, इसमें अगर जीरो डालें तो जीरो आएगा, और एफ डबल डैश में, एफ डबल डैश में अगर जीरो डालो कितना बनेगा, माइनस वन बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ भी इक्वल नहीं आया, ठीक है, यहाँ भी इक्वल नहीं आया, समझ के बात को, ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस वन, एफ डबल डैश पे माइनस वन, ठीक है, एफ डबल डैश पे, एफ डबल डैश जीरो पे आ गया माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, देखो इक्वल नहीं आया ना, तो चाहो तो आप ये दम एग्जाम्पल ले लो, चाहो तो ये दम एग्जाम्पल ले लो, मतलब बोला गया था कि अगर वाई कोई एक फंक्शन है, वाई कोई एक फंक्शन है, यही अपना वाई है, ठीक है, ये कोई एक वाई फंक्शन है, अगर इसमें हमने जीरो डाले, एफ डैश में अगर जीरो डाले, तो एफ डैश में हम जीरो डाले, देखो एफ डैश में जीरो डाले, एफ डैश में हम जीरो डाले, कितना है, एफ डैश में अगर हम लोग जीरो डाले तो जीरो आ गया, ठीक है जीरो आ गया। तो आप क्या एफ डबल डैश निकाले, तो इसका डबल डैश, और इसमें हम जीरो डाले तो क्या ये भी जीरो आएगा, नहीं आया, नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, नॉट नॉट ऑलवेज, ठीक है, नॉट ऑलवेज मतलब हमेशा नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है, हमेशा नहीं होगा, ठीक है, कभी कभी हो सकता है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे हमने अपने कॉस एक्स लिए थे, तो अभी एफ डैश में हम जीरो डालो, इसमें एफ डैश एक्स कितना हो गया, साइन एक्स जीरो डालो, जीरो बन गया, इसमें इसमें अगर कितना बन रहा है, एफ डैश जीरो पे जीरो बन रहा, लेकिन इसमें अगर जीरो डालो, एफ डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो कितना बन रहा, माइनस वन, जीरो डालो तो कॉस जीरो वन इंटू माइनस वन, माइनस वन। अब ये क्या दोनों इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सीधे सिंपल सा एक एग्जाम्पल के थ्रू आप